Good afternoon, everyone. My name is Kundan Manotkar. I am from Electronic and Telecommunication Department, NIT Polytechnic. My capstone project title is Accident Detector Using GPS and GSM Module, guided by Atul Shendekar. Name of team member: Vedant Dolwar, Aman Patle, Abhishek Padekar. This is content. First, introduction, aim and objective, course outcome, program outcome, resources used, circuit diagram, actual model, log diagram, working, application, advantages, feature scope, skill development and differences. First one is introduction. The high demand of automobiles has also increased the traffic hazard and the road accident life of people is under high risk. This is because of lag-based emergency facility available in our country. An automatic alarm device for vehicle accident introduced in Capstone project. सर हमारे जो कैप्टन प्रोजेक्ट है इसमें जीपीएस और जीएसएम मॉड्यूल है, इससे नहीं क्या एमरजेंसी में मतलब काम आता है वो जीपीएस मॉड्यूल ने क्या जीपीएस मॉड्यूल लोकेशन सेंड करता है और जीएसएम मॉड्यूल ने क्या मैसेज भेजता है मतलब कहीं पे एक्सीडेंट हुआ रहा परिवार में किसी का तो मतलब उनके रिलेवर जो रहते हैं उनको नहीं क्या मैसेज सेंड हो जाता है एम एंड ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीकल एक्सीडेंट डिटेक्टर सिस्टम आपने जैसे बताया कि ये डिटेक्ट करता है सिस्टम हमारा वाला टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स नीड फॉर सिस्टम हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो जैसे कि जीपीएस मॉड्यूल जीएसएम मॉड्यूल एक्सेलेरोमीटर एसएलसीडी ये है टू मेक द सर्किट डायग्राम ऑफ रिस्पेक्टिव सर्किट हमने सर्किट डायग्राम बनाई है टू मेक द सिमुलेशन ऑफ द हार्डवेयर बिफोर टू मेक द हार्डवेयर हार्डवेयर टू हार्डवेयर हमने आपको बताया टू आइडेंटिफाई द सिस्टम प्रॉब्लम एंड फिक्स इट टू डिक्रीज द रोड एक्सीडेंट इन इंडिया एंड ओवर द वर्ल्ड टू मेंटेन डिसिप्लिन ड्राइविंग दिस इज द कोर्स आउटकम डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीकल एक्सीडेंट अलार्म सिस्टम इसमें हमारा जो सिस्टम है इसमें अलार्म सिस्टम है व्हीकल में डिजाइन रिस्पेक्टिव सर्किट ऑफ सिस्टम इसमें सर्किट बनाया हमने मेक द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कोडिंग और जो हार्डवेयर है जो सिस्टम वो टेस्ट ऑब्जर्व इन आउटपुट ऑफ द सिस्टम अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन वेयर सिस्टम इज यूज्ड देन दिस इज अ प्रोग्राम आउटकम बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज प्रॉब्लम एनालिसिस डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग इंजीनियरिंग प्रैक्टिस फॉर सोसाइटी सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ लॉन्ग लर्निंग then I would like to call Vedant Dolwar. Start. Hello everyone, my name is Vedant Dolwar. I am here to explain for the slide. Resources used. We have used one Arduino, one GSM module, one GPS module, one accelerometer, one LCD display, connecting wires, 10K port, breadboard, and power supply. This is our circuit diagram. Here we used one Arduino Uno for controlling whole system. This is accelerometer. It is a sensor which is of 3-axis based. This is LCD display for displaying the process which process is going to happen. This is GPS module. This is GSM module. This is our actual module. This is our block diagram. Arduino Uno is a center of whole circuit. GPS module send the signal to the Arduino, which display on LCD display and accelerometer. If accelerometer is निकलते हैं, उसके अगर ऐसे हमने अगर पलटा है, जैसे हमने 50 sensor उसके रख लिया, 50 sensor जहाँ अगर पलटी हो, तो सर वो Arduino को signal भेजेगा कि यहाँ पे निकलते ये tilt हुआ है, तो वो सर GPS से signal लेगा, GPS से भेजेगा और वो मोबाइल में भेजेंगे तो सर हमने जैसे मोबाइल में टीम कोड डाले हैं जैसे कि हमने एक एम्बुलेंस कोड डाले हैं हमने एक पुलिस कोड डाले हैं और हमने एक इसका कोड डाले हैं जैसे 90% जो है हमारे जो इसका वर्किंग सर ये वर्किंग है इन दिस प्रोजेक्ट आर्डिनो इज यूज फॉर कनेक्टिंग ऑल दी प्रोसेस विथ अ जीपीएस रिसीवर एंड जीएसएम मॉड्यूल जीपीएस रिसीवर इज यूज टू डिटेक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द व्हीकल जीएसएम मॉड्यूल इज यूज टू सेंड द अलर्ट एसएमएस विद कोऑर्डिनेट्स एंड लिंक टू द गूगल मैप हमने गूगल मैप का यूज किया है एक्सेलेरोमीटर ने
application. We can track the vehicle at any place and any time. For next slide, I would like to call Abhishek Badekar. Start. Hi everybody, I am Abhishek Badekar. Good afternoon, I am Abhishek Badekar. I am from Electronics and Telecommunication Department. Today, I explain applications. We can track the vehicle at any place and time. हम व्हीकल को किसी भी जगह से और किसी भी टाइम पे ट्रैक कर सकते हैं. वी कैन नो अबाउट द एक्सीडेंट एट अ वेरी शॉर्ट टाइम. हम एक्सीडेंट के बारे में कम से कम टाइम में जान सकते हैं. वी कैन सेंड द हेल्प टू द नीडेड पीपल. हम जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं. वी कैन इंफॉर्म एम्बुलेंस अबाउट द एक्सीडेंट एंड द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट. हम एम्बुलेंस को एक्सीडेंट और एक्सीडेंट के प्लेस के बारे में इंफॉर्म कर सकते हैं. वी कैन इंफॉर्म पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट एंड द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट. हम पुलिस को भी एक्सीडेंट और एक्सीडेंट के प्लेस के बारे में इंफॉर्म कर सकते हैं. एडवांटेजेस अलर्ट पुलिस एंड मेडिकल यूनिट्स अबाउट एक्सीडेंट. हम पुलिस को और मेडिकल यूनिट्स को एक्सीडेंट के बारे में इंफॉर्म कर सकते हैं. सिंपल डिजाइन एंड कैन बी इंटरफेस विद अदर सिस्टम. बाकी सिस्टम की तरह हमारे भी सिस्टम का सिंपल डिजाइन है. इजी टू ऑपरेट बाय द यूजर. कोई भी यूजर हमारे सिस्टम को इजीली ऑपरेट कर सकता है. रिलायबल सिस्टम. हमारा सिस्टम भरोसेमंद है. इजी टू ऑपरेट. हमारे सिस्टम को इजीली ऑपरेट किया जा सकता है. मॉनिटर हजार्ड्स एंड थ्रेट्स. हम खतरों के बारे में जान सकते हैं. सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी. हमारी सिस्टम अत्याधुनिक सिक्योरिटी पे आधारित है. सिंपल एंड रिलायबल डिजाइन. हमारी सिस्टम सिंपल एंड रिलायबल डिजाइन करी गई है. थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग. फॉर द नेक्स्ट स्लाइड आई विल लाइक टू कॉल अमन पटेल. Good afternoon teacher, my name is Aman Patel from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic. My capstone project topic is Future Scope. A buzzer and panic switch can be added in this system. हम यह system में buzzer और panic को add कर सकते हैं. A wave cam can be added to detect the peak of system. हम यह system में camera भी add कर सकते हैं आपको ताकि वो project में छोड़ ना सके. A vibration sensor can be added for detecting the external damage in this vehicle. और vibration sensor को भी add कर सकते हैं. A ultrasonic sensor can be added to maintaining specific distance in the vehicle. Next slide. This is the skill development. Our idea is used to detect accident and automated emergency assistance service. As a result, system is sending SMS and nearest emergency assistance service provider from एक्सीडेंट लोकेशन. हम यह सिस्टम में मैसेज सेंड कर सकते हैं. और इमरजेंसी में कहीं पर एक्सीडेंट हुआ तो बता सकते हैं. दिस हाई डिमांड ऑफ ऑटोमोबाइल्स हैज आल्सो इंक्रीज्ड द ट्रैफिक हजार्ड्स टू द रोड. एक्सीडेंट लाइक जीवन इज अंडर हाई रिस्क. दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बेस्ट इमरजेंसी फैसिलिटीज इन दिस व्हीकल ऑफ कंट्री. हेलो एवरीवन, माय नेम इज विलान डोलवार. आई एम फ्रॉम एनआईटी पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट इजे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. हियर इज माय कैप्शन प्रोजेक्ट नेम एक्शन डिटेक्टर यूजिंग जीपीएस एंड जीएसएम मॉड्यूल. हियर वी आर यूजिंग वन आर्डिनो बोर्ड R3, वन एक्सेलेरोमीटर, वन एलसीडी डिस्प्ले फॉर डिस्प्लेइंग द प्रोसेस विच आर हैपनिंग, वन जीपीएस मॉड्यूल एंड दिस इज जीपीएस एंटीना, दिस इज जीएसएम मॉड्यूल, दिस इज जीपीएस जीएसएम एंटीना, दिस इज माय फ्रेंड्स सिम आईडिया विच इज ऑफ 2G नेटवर्क. वी आर यूजिंग 3 पावर सप्लाय, 12 वोल्ट्स 1 एम्पियर. Here the process is done.
The GSM is insta successful, the GPS also insta successful. The system is ready. Here GPS is showing all the coordinates. GPS module is insta successful. Calibrating accelerometer, GPS is also insta successful. So I am explaining the working. Here is the Arduino board which have all the program we have created. This is a GPS module. It takes signal from antenna and send to GPS module, and this is GSM module which send SMS to the mobile number which have we have initialized. If the board is tilt, the board is tilt. One message will receive in this. Just now I have received message from my friend Sim. This is our coordinates from the send. This is location where the accident is detected. So I am in my college, therefore it is showing my college location. In this way, I have concluded my project.